वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब यही राजनीति में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर अब बीजेपी के खिलाफ जो पूरा INDIA गठबंधन है, कुछ लोग उसे इंडिया गठबंधन भी कहते हैं, कुछ लोग इसे इंडी गठबंधन कहते हैं, जो राजनेता होते हैं बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे हैं वो इसे इंडी गठबंधन कहते हैं। लेकिन इस बीच अब वही समाजवादी पार्टी, वही अखिलेश यादव, जो किसी समय पर INDIA गठबंधन से अपने पैर पीछे खींचते हुए नजर आ रहे थे, अब वही दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, आपस में दोस्त होते हैं। अब इसी को लेकर अब अखिलेश यादव का एक ऐसा बयान सामने आया है जहां पर वे सीधे तौर पर INDIA गठबंधन को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके पीछे एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह ये है, मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, मध्य प्रदेश में काफ़ी बुरा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन से अखिलेश यादव ने पैर पीछे खींच लिए थे, और बहुमत से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, जिसके कारण अब अखिलेश यादव का दुख छलका है। और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने INDIA गठबंधन को अपना समर्थन दिया है, और अब INDIA गठबंधन में तमाम जो विपक्षी चेहरे हैं, विपक्षी नेता, जो किसी समय पर मना कर रहे थे कि हम INDIA गठबंधन में नहीं आएंगे, वो अब INDIA गठबंधन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, और सीधे तौर पर INDIA गठबंधन को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब 2024 में लोकसभा चुनाव भी दूर नहीं है, और इसी कड़ी में अब तमाम विपक्षी नेता एकजुट आकर बीजेपी को बड़ी चुनौती देने की तैयारी में है।